गाइज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर PSV वर्सेज हेरन विन के बीच मैच हो रहा है जो कि 11:15 बजे होगा। देन बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की तो PSV एंड हेरन विन में जो मैच हो रहा है इसके अंदर PSV टीम तो बहुत तेज़ है, लेकिन ये एक ही लीग की टीम्स है तो मुझे लगता है कि HRN टीम जैसे पिछले दिनों इतना अच्छा खेल रही है तो हो सकता है PSV को एक आध गोल करे और करना भी चाहिए। कई भी टीम को क्लीन शीट से नहीं हारना चाहिए, वो छोटी टीम्स होती हैं जो हार जाती हैं इसलिए बड़ी टीम्स फायदा ले जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ये बराबर की टक्कर रहनी चाहिए इस मैच में। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं स्ट्राइकिंग की, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एल्डे जोंग इनका मेन प्लेयर, इनके चार प्लेयर बहुत मेन है। पहला है भाई एल्डे जोंग, दूसरा है लैंग, तीसरा है वाई वेटसन एंड आर पैपी। लोजैनो का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अभी इस टीम में आया, तो इसके बारे में मेरे को खास यहाँ पर कैसा खेलेगा इस बारे में नहीं पता, क्योंकि PSV टीम में ये पहले नहीं था, पहले ये नेपोली टीम में था। इसने नीदरलैंड की लीग ज्वाइन की है इटालियन लीग छोड़ के, तो मेरे को बहुत एक बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है। तो लोजैनो का कैसा यहाँ पर रहने वाला है सीज़न कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अगर लैंग वगैरह नहीं खेलेंगे तो फिर मैं आँख बंद करके लोजैनो को ले लूँगा, लेकिन अगर लोजैनो की जगह मेरे को कोई कहेगा कोई प्लेयर लेने को तो मैं तैयार हूँ लैंग के साथ जाने को, बाकी अभी मैं लोजैनो को रख रहा हूँ। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, पिछले मैच में पी वैन एमर्सफूट ने पिछले मैच में किए 2 गोल किसी अनदर टीम को, और वो 2 गोल सच अमेजिंग गोल थे क्योंकि ये प्लेयर की भी एक तरह वापसी हुई है, और अब जब प्लेयर का बेटर कमबैक होता है तो हर मैच में उसके चलने की उम्मीद होती है इसलिए। और बाकी इसको मैं ले नहीं रहा, ये भी चल सकता है अपना इओन निको को आप ट्राई कर सकते हो GL में, ठीक है GL में करना, स्मॉल लीग में नहीं। आगे से मैं बात करूं मिडफील्डिंग की, वेयरमैन को लेंगे, वेयरमैन के बाद है जे बाकायोको, और GTL मेरा छूट गया, मेरे को डर है GTL का क्योंकि GTL का गोल आ सकता है। अब क्या करना है हम लोगों ने, मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए बाकायोको और GTL में से कोई एक खेलेगा, सुन लो पहले बता रहा हूं ठीक है, या हो सकता है लोजैनो या फिर GTL में से कोई एक खेलेगा, और जो भी खेलेगा आपने लेना है क्योंकि इन 5 प्लेयर, अब ध्यान अपने दिमाग में डाल लो, GTL बाकायोको वेयरमैन एल्डे जोंग लोजैनो, इन 5ों में से कोई 4 खिलाड़ी खेलेंगे और उन 4ों को आपने लेना है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कहीं आप बाद में बोलो कि तूने हमें प्लेयर के नाम नहीं बताए थे, मैं क्लियर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो इन 5 प्लेयर में से यू हैव टू टेक 4। अब आपको क्लियरली बता दिया ठीक है, अभी आप किसी एक को ड्रॉप कर लो। उसके बाद HRN के अगले प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर है ओसेम सेरोई, जो कि पिछले मैच के अंदर पेनल्टी नहीं लेके गया, सेकंड लास्ट मैच में टी हाई को पेनल्टी मिली थी, ये थोड़ा दिमाग से मेरे परे था, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं टी हाई को ड्रॉप नहीं करूँगा अब, क्योंकि सेरोई को पहले सेकेंडरी पेनल्टी दी जाती थी, प्राइमरी भी दे देते थे कभी कभी, लेकिन टी हाई मेन अब इनका बन गया है, और इसके लिए बढ़िया है क्योंकि ओ सेरोई को प्रेशर नहीं है पेनल्टी का, अब वो जी जहाँ से 90 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकता है जो चाहे गोल वगैरह। उसके बाद डिफेंडिंग की बात करूँ, देन यहाँ पर है हमारा PSV का अगला प्लेयर जिसका नाम है ओलिवर बोस्कैग्ली, इसको मत छोड़ना, पिछले दिनों ये 3rd डिफेंडिंग में था तो मैंने ड्रॉप किया था लेकिन अब नहीं करूँगा, ए रमेलो को लूँगा, पी वैन एनोल्ड को पक्का, सर्जिनो डेस्ट मेरा छूट गया, एक प्लेयर तो छोड़ना ही है ठीक है ना। आगे से बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर है नोपर्ट, ए नोपर्ट इज़ द मेन प्लेयर, और नोपर्ट गोल सेविंग रेशियो बेटर रखता है क्योंकि HRN एक बड़ी टीम है और गोल कीपर अच्छे ही होते हैं बड़ी टीम्स के, क्योंकि उनका काम कम होता है और प्रैक्टिस ज़्यादा। बात करें कप्तान की, कप्तान देखो बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा, कप्तान एल्डे जोंग, वाइस कप्तान अभी आप वीरमैन या बाकायोको में से किसी एक को रखना है, अभी आप ऐसा करो बाकायोको या वीरमैन में से किसी एक को सेव कर लो, हम लास्ट में फाइनल करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।